नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज की इस खास रिपोर्ट में। देखिए, रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे और बात यहां पर राजस्थान की सियासत की। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में गहलोत पायलट विवाद के चलते सियासत जो है वो लगातार गर्माती हुई दिखाई दे रही है। जहां एक ओर गहलोत कांग्रेस को संभालने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरे ओर सचिन पायलट कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि आगामी 11 जून को सचिन पायलट अपनी नई पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 11 जून को सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि है और ऐसे में ये दिन सचिन पायलट के लिए बहुत ज्यादा खास है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट शायद यहाँ पर अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। देखिए, लगातार सियासी गलियारों में इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट का इन कयासों को खारिज ना करना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दे सकते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर सचिन पायलट कांग्रेस के खिलाफ हो जाते हैं तो इसका ज्यादा नुकसान किसे होगा, क्या सचिन पायलट को या फिर कांग्रेस को? क्योंकि अगर कांग्रेस का दामन सचिन पायलट छोड़ देते हैं, अगर वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो शायद वो चुनाव में वो पद हासिल कर पाएंगे जिसकी उन्हें हमेशा से चाह है, जो जनता उनके लिए चाहती है। लेकिन अगर वो अपनी पार्टी का निर्माण करते हैं तो शायद हो सकता है कि उनके लिए उनका राजनीतिक करियर का ये सबसे गलत स्टेप हो सकता है। दरअसल हमने इससे पहले कई नेताओं को देखा जिनकी पार्टी के साथ रहते हुए काफी ज्यादा लोकप्रिय था थी, लेकिन जब उन्होंने पार्टी को छोड़ा, अपनी खुद की पार्टी बनाई, तो कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व कम होता हुआ दिखाई दिया। वहीं दूसरी ओर अगर सचिन पायलट कांग्रेस के साथ रहते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में फिर भी डर हो सकता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार सचिन पायलट थोड़े थोड़े समय में अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उठाते हुए दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को आगामी विधानसभा चुनाव का मोर्चा फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है और गहलोत पायलट विवाद का फायदा यहां पर वसुंधरा राजे उठाते हुए दिखाई दे रही है। जिस तरह से वो अपने तमाम बयानों में कहीं ना कहीं अशोक गहलोत पर निशाना साधती रहती है, यहाँ पर पायलट को लेकर वो बयान देती है और जिससे कहीं ना कहीं विधायकों के बीच काफी ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिलती है। जानकारी तो ये भी सामने आ रही है कि सचिन पायलट के खेमे के कई विधायक अशोक गहलोत की खेमे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि सचिन पायलट के कई विधायक अगर सचिन पायलट अपनी नई पार्टी का ऐलान करते हैं तो वो सचिन पायलट को छोड़ अशोक गहलोत का दामन थाम सकते हैं। तो अब ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि अगर सचिन पायलट अपनी नई पार्टी का ऐलान करते हैं तो क्या इससे उन्हें कोई फायदा होगा या फिर आने वाले समय में इससे सचिन पायलट की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़। नमस्कार।